देखिए दोस्तों, माँ नैना देवी टेम्पल, देखिए ये देखिए दोस्तों, बजरंग बली। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। लोग ये मन्नत भी मांगते हैं, यहाँ पे चुनरी आके बांधते हैं, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आके खोलते भी हैं। और देखिए काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखता है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में आज फिर से। तो दोस्तों आज जैसा कि नैनीताल का दूसरा दिन है, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। देखिए हम लोग बाइक भी रेंट पे ली है हम लोगों ने, जो कि 1600 की तेल आपका। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से नैना देवी टेम्पल और फिर नैनीताल लेक का व्यू लेंगे, उसके बाद जाएंगे टिफ़िन टॉप। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया, मतलब पहाड़ की जो वाइब आनी चाहिए वो तो आ ही रही है यहाँ से देख के। अभी जब जाएंगे आपको टॉप से भी दिखाएंगे कि कैसा लगता है नैनीताल। वैसे ही मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, आइए आपको दिखाते हैं, चलते हैं नैना देवी, मिलते हैं आपको वहाँ से। लगाओगे बगल में डॉगी के बगल में लगाओ, सीधे चलो। अब प्यार से ठंडी की हवा ले रहा है बाबा। ये दोस्तों ये देखिए, ये है पार्किंग यहाँ की। और आइए चलते हैं नैना देवी टेम्पल, इधर साइड है, चलिए आइए चलते हैं। तो दोस्तों इधर से ऐसी कुछ रोड गई है नैना देवी टेम्पल के लिए, तो आइए इधर से ही चलते हैं, इधर से ही जाइए। देखिए दोस्तों ये नैनीताल लेक है इधर सामने हमारे, और देखिए इधर से नैना देवी टेम्पल जाने का रास्ता है, तो आइए चलते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ रास्ता है, और हमारे सामने देखिए ये मस्जिद, देखिए कितनी बड़ी मस्जिद बनाई गई है। तो देखिए हम लोग ऐसे चल रहे हैं, आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं नैना देवी टेम्पल के दर्शन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो देखिए ऐसी कुछ मार्केट लगी हुई है, यहाँ की लोकल मार्केट है नैना देवी मंदिर के पास। और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी मार्केट है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी है। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा मिल रहा है ऊपर से। और ये देखिए ऐसी कुछ रोड गई है नैना देवी टेम्पल के लिए। देखिए दोस्तों माँ नैना देवी टेम्पल, देखिए ये देखिए दोस्तों बजरंग बली। दोस्तों ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग, यहाँ से हनुमान जी के पूरा घूम के परिक्रमा करते हैं। देखिए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। लोग ये मन्नत भी मांगते हैं यहाँ पे, चुनरी आके बांधते हैं, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आके खोलते भी हैं। और देखिए काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखता है। दोस्तों वो नैना देवी मंदिर है और ये भैरव बाबा मंदिर है।
शुद्ध गुरु हमारे साथ हमेशा। तो दोस्तों ये देखिए, ये है नौग्रा मंदिर, जस्ट इसी के बगल में है, भैरव बाबा के जस्ट बगल में नौग्रा मंदिर है। और यहाँ से आइए आपको दिखाते हैं लेक साइड का व्यू। देखिए दशावतार मंदिर दोस्तों, आइए चलते हैं यहाँ पे भी। और ये देखिए ये झील, आप लोग देख रहे होंगे, देखिए क्या गजब नज़ारा मिल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सबके अवतार, शिव पार्वती अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, बामन अवतार, परशुराम, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। देखिए कल्कि अवतार, ये दोस्तों ये है कल्कि अवतार, जो कि इन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया, ये तब लेंगे जब बुराई बढ़ जाएगी, सब कुछ आदमी एक दूसरे को नहीं देख पाएगा, छोटे छोटे हो जाएंगे, तब बुराई को मिटाने के लिए कल्कि अवतार लिया जाएगा। तो देखिए पूरे अवतार यहाँ पे, जो जो लिया गया अवतार सब देखिए लाइन से बने हुए हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पीछे पूरे के पूरे अवतार हैं, जितने महादेव जी ने और नारायण जी ने अवतार लिए हैं, सब के सब पूरे ये पीछे है हमारे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे नैना देवी टेम्पल, और देखिए कैसा दिख रहा है, बढ़िया सा। देखिए ये ऊपर से है, ऊपर है, देखिए काफी बढ़िया। ये नैनीताल लेक बोलते हैं इसको, ये आपको बताएंगे अभी पूरी कहानी क्या है। दोस्तों इसमें देखिए कितनी प्यारी प्यारी मछली हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए दिख रही हैं, लाल गोल्डन सब कलर की, देखिए गोल्डन कलर की है, ब्लैक कलर की, काफ़ी सारी मछली हैं इसमें। देखिए पूरे झील में काफ़ी बड़ी बड़ी मछली हैं, वो देखिए उधर देख रहे हैं, ये देखिए एकदम कोने पे कितनी ढेर सारी मछलियाँ हैं, देखिए गोल्डन कलर की है, रेड कलर की है, ये देखिए। और ऐसा कुछ दिखता है नैनीताल लेक, देखिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं नैना देवी फेमस क्यों है और क्यों इतना प्रसिद्ध है, आदमी क्यों यहाँ पे आता है। तो सती जी का 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब सती जी को जली थी, अपने आप आत्मदाह किया था उन्होंने महादेव के लिए, तो महादेव जी लेके अपने हाथ में भ्रमण कर रहे थे पूरे भारत का, पूरे संसार का। तो उनकी आँखें जो नैन होते हैं, आँख यहाँ पे गिरी, और आँख गिरने के कारण इसीलिए नैना देवी मंदिर यहाँ पे रखा गया। और ये जो हमारे पीछे आप लेक देख रहे हैं, ये जो पीछे ये लेक देख रहे हैं, ये नैना देवी जब आँख नैना देवी की आँखों से जब आंसू गिरा था, उसी से ये लेक बना हुआ है। इसीलिए इसमें सारी मछलियाँ हैं, ना इसमें कोई कुछ फेंक सकता है, सब चीज़ की मनाही है, लेकिन तब भी ये गंदगी आदमी फैला रहे हैं। मेन रीज़न यही है, इसी वजह से ये फेमस है ये लेक, और ये नैना देवी का आँख, नैना देवी का आँख, वो मंदिर आप देख पा रहे हो वो सामने, वो मंदिर रेड वाली, वो नैना देवी की मंदिर है, और बगल में उन्हीं के भैरव बाबा हैं, और यहाँ पे महादेव जी हैं, जस्ट यहाँ पे महादेव जी भी हैं। और यहाँ हमारे पीछे आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी प्यारा नज़ारा मिल रहा है लेक का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मतलब आप देखेंगे, आएंगे आप एक बार आके देखिएगा और फील कीजिएगा आपको कैसा लगता है यहाँ का नज़ारा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे टिफिन टॉप, वहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे, आपको दिखाते हैं सब कुछ, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग, ई रिक्शा के लिए लाइन लगी हुई है इतनी बड़ी बड़ी, ये देखिए यहाँ से आप टोकन लेंगे तब आपको ई रिक्शा मिलेगा, ये देखिए यहाँ से बैठा के लेके जा रहे हैं। और देखिए ये दिन के टाइम का मॉल रोड कैसा है, सामने हमारे नैनीताल लेक है और नैना देवी टेम्पल भी वो सामने है हमारे। तो देखिए ऐसा कुछ दिन के टाइम दिख रहा है, देखिए आप लोग देखते चलिए। रात में हम लोग पैदल पैदल घूम रहे थे,
तो रात के टाइम का अलग ही व्यू रहता है, दिन के टाइम का अलग ही सीन रहता है। और इधर से हमारे लेक देखिए, काफी प्यारी लेक। देखिए रोड कितनी अच्छी रोड है, मतलब अच्छी खासी बनाई गई है रोड। ये हम लोग जाते हुए, ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है यहाँ से, बहुत बढ़िया नज़ारा है। देखिए बोटिंग भी हो रही है दोस्तों, बोटिंग भी करेंगे लेकिन